पहली डाल में किस चीज का वर्णन है? इतिहास का है ही नहीं वर्णन। चारों गतियों के दुख का, चारों गतियों के दुख का, सम्यक इतिहास का वर्णन ही नहीं उसमें। उसमें तो ये वर्णन है कि संसार में सुख नहीं है, चारों गतियों में दुखी दुख। सम्यक दर्शन का वर्णन कहाँ है उसमें? न ज्ञान का है, न चरित्र का है। उसमें इतना कहा है कि सम्यक दर्शन के बिना तू दुखी है बस। अब वो सम्यक दर्शन क्या है ये तो बता ही नहीं। पहले क्या बताया? संसार में दुख क्या है? तो दुख कौन कौन से है? चार गति में दुखी दुख है। अब बताइए चारों गतियों में सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में? गति की बात हो रही है। सबसे ज्यादा दुख चारों गतियों में जिसको इसको बहुत ढंग से आवाज बड़ा, वॉल्यूम बड़ा, बेस बड़ा, मुंह मत दे उधर उंगली चला, तो मेरे बोलने के अनुसार मत बड़ा, तू तो अपना बड़ा, हम तो बोलते रहे। बताइए संसार में चार गतियों में सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में है? नरक गति। कौन सी गति? नरक गति। बोलो अशोक। मनुष्य गति। मनुष्य गति में ज्यादा दुख है। बहुत बढ़िया। यहाँ भी पढ़ा है कर्म जोग ते नर गति लव, पुण्य के उदय से मनुष्य गति मिली। क्या दुख है चल गिना? एक सांस में 18 बार है, बदबंधन है, भूख प्यास है, छेदन वेदन है, फिर तिल तिल करें देह के खंड है, खून पीप की नदियों में कोई तुम्हें पटक रहा है पकड़ के, बोलो कहां है मनुष्य गति में दुख? ज्यादा की बात हो रही है, सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में है? नरक गति में। गलत। गति की बात हो रही है। सबसे ज्यादा दुख है त्रयंच गति में, नरक से भी ज्यादा। समझ में आ रहा? छेदन वेदन तो नरक में भी है, नरक में नहीं छेदन वेदन। तिल दिल करे देह के खंड असुर बिना, पशु में तो छेदन वेदन है, नरक में तो टुकड़े टुकड़े कर रहे है ना, तो भी नरक गति से भी ज्यादा दुख है त्रयंच गति। नरक की आयु कितनी है? कम से कम, अधिक से अधिक 33 साल है ना। कितनी आयु है? कम से कम 10,000 वर्ष, अधिक से अधिक 33 सागर बड़ा होगा कि अनंत काल बड़ा होगा? क्या पड़ा? काल अनंत निरोध मजार जने मो मरो। निरोध कौन सी गति है? त्रियंच गति। कौन सी गति? कितना काल व्यतीत किया? अनंत। एक श्वास में कब तक? काल अनंत, अनंत काल बिता है। नरकों में अनंत काल की आयु है क्या? बोलो किसके दुख ज्यादा हो गए? निगोद कोई गति नहीं है, त्रियंच गति में लिया है निगोद। कितना काल निगोद में गया? किस चीज में गया? जन्म और मरण में गया। फिर और लंबा समय वहां से निकल के साधारण वनस्पति, फिर उससे निकल के क्या हुआ? पृथ्वी, जल,
अग्नि देखो काल की रूप पृथ्वी की पर्याय, जल की पर्याय, अग्नि की पर्याय, वायु की पर्याय, फिर दो इंद्री की पर्याय, फिर तीन इंद्री की पर्याय, चार इंद्री की पर्याय, पंच इंद्री की पर्याय, सेनी की पर्याय, असेनी की पर्याय, सबसे ज्यादा लंबा दुख कहाँ है? त्रियंश गति। टाइम ज्यादा है ना वहां, नरकों का तो चलो 10,000 के बाद छुट्टी, यहाँ तो 10,000 की गिनती नहीं है, निगोद में अनंत काल है। और अपन लोग किसमें सबसे ज्यादा दुख मानते हैं? नरकों में। है कहाँ सबसे ज्यादा दुख? प्रिंस। समझ आ रहा कि नहीं? क्योंकि त्रियंच गति में क्या ज्यादा लगाया इस जीव ने? समय ज्यादा लगाया। निगोद से सेनी पंचेंद्री बनने में कितना टाइम लगा उसको? निगोद में नरक में तो सीधा पंचेंद्री सेनी होता है, लेकिन निगोद इसमें तो दिक्कत है ना, तो ज्यादा समय अपन ने कहां व्यतीत किया? त्रियंच गति। निगोद निगोद क्या बोल रहे हो? अनंत काल के बाद इतना और प्लस होगा अनंत के बाद। अकेले निगोद का अनंत काल है, उसमें फिर एक इंद्री के पंच स्थावर के काल जोड़ो, फिर दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, सेनी असेनी जोड़ते जाओ, इतना बड़ा समय, इतना ज्यादा समय कहाँ लगाया अपन ने? 33 सागर भी कम है इसके सामने नरक का। तो इस संसार में सबसे ज्यादा कौन है? त्रियंश। मनुष्य नहीं है ज्यादा, नारकी नहीं है ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन है? और ये पर्याय फट से मिलती है, अब घबरा। समझ में आ रहा? नरकों में जाने के लिए तो बहुत पाप करना पड़ेंगे, समझना, और स्वर्ग में जाने के लिए पुण्य करना पड़ेंगे। पशु में जाने के लिए तो क्षण भर में, अपन हर किसी को ये नहीं बोलते तू पशु बनेगा, तू नरक जाएगा। अरे कठिन है नरक जाना, कहां जाना सरल है? क्योंकि त्रियंश में वैकेंसी बहुत सारी है, कहीं ना कहीं पटक दिए जाओगे, निगोद में, निगोद से नहीं तो स्थावर में, स्थावर से नहीं तो त्रस में, कहीं ना कहीं तुम्हारी शिफ्टिंग हो जाएगी, बहुत जॉब है, समझ में आ रहा, कहीं ना कहीं सर्विस लग जाएगी। और त्रियंश गति काय से मिलती है? और ये अपन 24 घंटा करते हैं, समझ गया? किस चीज से मिलती है त्रियंश गति? पशु में दो चीज होती है, ध्यान रखना, पशु में एक तो होती है आहार संज्ञा और कषाय होती है माया, ध्यान रखना। पशु में कौन सी संज्ञा होती है? आहार संज्ञा, दिन भर खाते हैं, जो सूरज निकला और जब तक डूबे नहीं पशु क्या करता है? और कोई काम है क्या? बोलो, कोई दूसरे वर्क हो उनको, कल्पना करो सुबह से शाम पक्षी हो या चौपाए हो चेटी हो, ये दिन भर करते क्या है? खाते हैं और माया चलती है। तो जो आदमी अपने भोजन पे संयम नहीं रख पाया लगा लगा दिमाग, इसलिए मुनियों को क्या कहा है? कितनी बार खाना? और किसी धर्म में नहीं लिखा है, अपने यहां लिखा कि मुनि एक बार भोजन करे और श्रावक दो बार ही करे, उससे ज्यादा नहीं। ये केवल जैनों में बताया है, नहीं तो क्या होगा? ये आदत तुझे कौन सी गति में ले जाएगी खाने वाली? तुझे रात में नहीं छोड़ रहे, लगाओ दिमाग, कौन सी गति में जाएंगे? और यहां जाना कोई कठिन काम नहीं है, सुलभ। नरक के लिए तो बहुत पाप करना पड़ेंगे, और अपन फट से कहां भेज देते हैं? नरक में। चैडाल कहां भेजेंगे? सबसे ज्यादा किस गति में पोस्ट खाली है? सबसे ज्यादा पोस्ट कहां है?
देखो मनुष्य कितने प्रकार का, मनुष्य तो मनुष्य है, स्त्री पुरुष नपुंसक, समझ में आया ना, देवता देव और देवी नारकी एक ही है नपुंसक, यहां तो लाइन लगी है, निगोर एक इंद्री स्थावर पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये पहली धारणा में बताया गया है ना, वायु वनस्पति एक इंद्र दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंच इंद्री सैनी असैनी, कहीं ना कहीं तो सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देखो पशु गति में जाने के चांस ज्यादा है, समझ में आ रहा कि नहीं, कैसी चिंता पढ़ते हो, ये चारों गतियां उन्होंने गिना दी है ना, सबसे ज्यादा किसमें बता दिया उन्होंने, और यहां कौन जाता है, दो चीजें चलती हैं यहां पशु में, क्या चलती है, आहार और मायाचार, और ये यदि मनुष्य गति में अपन करेंगे इन पे संयम नहीं रखा तो बोलो चले, होती है ना भोजन के लिए मायाचारी करता है, कुत्ता क्या करता है, रोटी दो टुकड़ा डालता पूछ ही लाता है ना, अपन कहते हैं वफादार, वफादार नहीं है मायाचार, उसको पूछ लाएगा तो रोटी देगा, समझ में आ रहा, गाय किस घर में रोज रोज जाती है, वो खाई अब किसकी, खड़ी रहती है तो अपना काम बनाने आती है, वो बिल्ली देखती है दूध कहाँ रखा, तुम निकले कि उसमें छलांग लगाई है ना, इनका संज्ञा आहार है, उस आहार के लिए दिन भर मायाचारी करते हैं, काय के लिए, सीधे बिल्ली शिकार कैसे कर, बिल्कुल दबे दबे पहुंच जाती है ना? नहीं तो ये काय के लिए मायाचारी करते हैं, अपन काय के लिए करते हैं, बोलो बोलो, रात्रि में भोजन त्याग है, अनाज नहीं खाएंगे, तो ये मार्ग अपन ने मायाचारी से निकाला कि नहीं, ये दोनों गुण मिल रहे कि नहीं, ये खाने को भी मर रहे अपन और उसके लिए गलियां भी निकाल रहे, निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे, काय के लिए निकाल रहे गलियां, तो कौन सी गति मिलेगी, बोलो आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, आदमी भी सारे दिन खाने के लिए मायाचारी करता है, नहीं करते पर यदि वो पदार्थ हमको खाना है तो आदम कुछ भी कहे हजार तर्क लगा के खाएंगे है ना, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, ये दुकान में बैठ के अपन बाप की कसम खा रहे हैं है ना, कि भगवान कसम बाप की कसम माँ की कसम हमें इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ता है ना, तो अपने हकीकत पूछना इतने में पढ़ा है जितना तुम ग्राहक को बता रहे, कसम खाने की क्या जरूरत है, कसम से बिल्कुल इतने में हम तुमको दो रुपया ज्यादा ले रहे हैं, तुम दो ही ज्यादा ले रहे हैं, नहीं हम तुमको चाहते तो बहुत है लेकिन बोल नहीं पाते, हकीकत में ऐसा है, बोलो मीठा तो बोलते हैं लेकिन बोलते नहीं, हकीकत क्या चलता है, सत्यानाश है इसका, चलता है कि नहीं, ये क्या आया ना, कोई अपन बात कर रहा है उसकी बुराई, जैसे ही वो आ गया तो क्या कह रहे तुम्हारा जी, क्या है भाई, जब उसकी बुराई कर रहे थे तुमने मैटर क्यों बदला, उसको देख के ये क्या है, कौन सी गति, समझ में आया, क्या था उसको वही मिल रहा है,
हम नहीं भेज रहे, तुम जा रहे हैं, हम बता रहे हैं। हम कौन होते भेजने वाले, अपन तो करता है ही नहीं, कोई किसी को नहीं भेजता। मैं चलो तुम्हें मोक्ष भेजना चाह रहा तो चले जाओगे, कोई नहीं जाएगा, मेरे से क्या होता। लेकिन हम तो अपनी वृत्तियों पे ध्यान दो, कि जो अपन बिल्कुल सहज जी लेते ना, ऐसा कुछ नहीं, ये ही सब है माया चाह है, नहीं है महाराज। एक बात बोले, बुरा मत मानना, अब बुरे की है तो माने नहीं यार, तुम पाबंदी क्यों लगा रहे नहीं मानना, तो मायाचारी नहीं कर रहे, बुरा कहना तो नहीं चाहिए हमें, लेकिन फिर भी कह रहे, तो क्यों कह रहे, कहना चाहिए तो कह दे, डर का बोला मायाचारी क्यों करना, अदरवाइज मत लेना, अब तू बोलेगा तो लेंगे, और तेरे से हम हाँ भी बोले हाँ नहीं लेंगे तो हकीकत बताओ नहीं लेते क्या, लेते तो वही है जो मना किया, मायाचारी नहीं। देखो अपनी अपनी मायाचारी पे ध्यान दो, निगाह डालो, बोलो, देखो ऐसी लिपस्टिक लगी है ना, नेल पॉलिश लगी, सब सजे धजे, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। इन दोनों में देखो अर्थ लगा लो और अपना जीवन देखो, बोलो। अब लिपस्टिक में मत अड़क जाओ, और भी चीजें जो चल रही, नहीं तुम लिपस्टिक में अटकी, हम नहीं लगाते तो हम मायाचारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपन भी वही है, ये तो उदाहरण है, नहीं तो जो नहीं लगा रही बड़ी खुश हो गई, देख और लगा लिपस्टिक मायाचारी, तो ये कहना भी मायाचारी है। एक बात बताओ, मंदिर में क्या कहते हो, पैसा बुरा है, बोलते हो कि नहीं, हाथ का मेल है, हजारों गाली बकते हो नोट को, और बाहर कोई तुम्हारा पुराना नोट नहीं दे रहा कर्जे वाला, कितनी गाली बकते हो, ये क्या बोलते हैं बड़ा, मंदिर में क्या कह रहे थे, बहुधन बुरा हूं भला कहिए, लीन पर उपजार सो, बोलते बोलो बोलो, ऐसे चलेगा ऐसे ही चल रहा है, इसीलिए तो यहाँ क्या लिख दिया, ऐसे मिथ्या जग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख, कह दिया मैंने आपसे, कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, दूसरी डाल की पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, ऐसे मिथ्या जग माने दर्शन, ज्ञान चरित्र, चरण माने चरित्र, ऐसे मिथ्या, मिथ्या करने, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र के बस ये जीव क्या करता है, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ये करते ऐसे चलता है जीवन, मिल गया उत्तर। ये दौलत राम ने यही तो कह रहे थे कि तुम ये प्रश्न तो उठाओ जरा कि कैसे चलेगा, और तुमने उठाया उत्तर मिल गया, ऐसे विचारों से जीव जन्म मरण करता है। बोलते जाओ, सबसे बड़ी समय जब कौन सी गति में लगता है, क्यों मिलती है, दो चीजों से, ना तो अपने से ईमानदारी से आहार छूटता है, और ना अपने से, कौन सी गति में जाओगे, ये उनके लक्षण है, डिसाइड मत करो, इसका लिखा है तुमने डिसाइड बोला ना, अगली लाइन पढ़ो, ताते इनको तजिए सुजान, डिसाइड मत करो इसको तजो, क्या लिखा है, ताते इनको, क्या करो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या, इनका त्याग करो, नहीं यार, अपने मायाचार और आहार पे ध्यान रखो, श्रावक को
बार खाने का बोला है? कितनी बार खाते हो? तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आती है झंझट अपार। मन करता है मंदिर जाऊं, मंदिर जाके पूजा रचाऊं, सोचते ही सोचते क्या हो गया बता, मन तुम्हें आता होगा, सोचते ही सोचते हो गए बीमार, इसमें भी आती है। मन करता है दीक्षा ले के कर्म खपा लूं, सोचते ही सोचते बच्चे हो गए चार, इसीलिए उसमें भी आती है झंझट अपार। तीन बार भोजन उसमें भी झंझट है, समझ में आना, समझिए। ये है छह डाला, सबसे ज्यादा समय पशु गति में लगता है और हम पूरा दिन पशुओं को तो माया चार कह देते हैं, पशुओं को कह देते हैं दिन भर खाते रहता, अपनी दशा देखो, रोटी भी खा रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, उसके बाद मसाला भी डाल रहे हैं, पानी भी खा रहे हैं, सुपारी भी खा रहे हैं, सौंफ भी खा रहे हैं, चलते चलते कहीं आइसक्रीम रखी तो उसमें भी हाथ मार दिया, इस पार्टी में गए उसका खा लिया, अपना तो खा ही खाया, पड़ोसी का और सूटा है, वो गए पड़ोस में, आ भाई थोड़ा नाश्ता, नहीं नहीं इच्छा तो नहीं, अब सही बता इच्छा नहीं है या है? जब इच्छा नहीं थी उसने, नहीं नहीं ले लो यार थोड़ा ले, लाओ तो भैया लाओ, मान रखी सब क्या है माया चाहता, समझ में मन में तो है, अपन बोलते भाई खाना खाओ, नहीं नहीं खाना, जबकि भूखे मर रहे हो, सुबह से मिला नहीं है ना, फिर भी क्या बोलते, नहीं 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 पेट भरा नहीं, अरे भाई ले लो आए थोड़ा ले लो, तो फिर देख लो भाई बता, जैसे ही बोले खा तो तुरंत बैठ गया ना, और ना कह दिया तो वो सिल्ली काट दे तो मत खाना, समझ में आया? इसको कहते मन मन भाव है मूड है रात है, ये मायाचार यही तो होता है। अच्छा हमें बोलो, तुम कहते स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हम ये कहते नहीं आ रहे नहीं आ रहे, खा रहे तो आ रहे, उसे काय करना पड़ा, वो डंडे की चोट पे आ, तुम बुला रहे तो हम आ रहे, नहीं बुला तो नहीं आएंगे, तो हम नगरे करते नहीं नहीं आज मन नहीं है, अरे लाओ कमंडल जल लाओ बुद्धि का चलो, समझ में आप, कभी कोई महाराज ने कहा महाराज शुद्धि नहीं हमें नहीं उठना हमारा, अरे महाराज उठ जाओ अच्छा एक टाइम का, नहीं नहीं हमारा मन नहीं, अरे महाराज देखो तपस्या चलो तो भैया उठ जाती, ऐसा है क्या लफड़ा, नहीं खाना तो नहीं खाना, नहीं खाना आदमी क्या कर लोगे, तो खाना है तो डंके की चोट पे जाएंगे, समझ में आ रहा, भारी तो लफड़ा, अब अभी कहोगे महाराज जाने का मन तो नहीं हो रहा लेकिन फिर भी जा रहे क्या है, मन नहीं हो रहा तो मत जाओ, वो बोल रहा है तो जा, ये क्यों बोल रहा है मत जाओ, गाड़ी से पूछो, तीन तीन दिन का लफड़ा है क्या, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा, इससे बचो, अपन बोलते क्या है और करते, और रात दिन किस जुगाड़ में रहते हैं खाने के, ध्यान रखना खाते तुम भी हो खाते हम भी हैं, ध्यान रखना जब तुम खाते हो तो क्या होता है, खा रहे हो और कोई डिस्टर्ब करने आए तो बहुत गुस्सा आती, रखना फोन बार बार खाने नहीं खा रहे होंगे, दिख नहीं रहा है ये कर लो वो कर लो, चिल्लाते भी वो खाने में बाल आ गया तो गाली किस पे पड़ेगी, पत्नी पे पड़ेगी, गाली नहीं बकते जाएगा बाल भी फेंकते जाएगा, रोटी भी खाते जाएगा, समझ में आ रहा, और मुनि महाराज
हर गिलास में, ये खाने के लिए बोल रहे हैं मुनि महाराज या ये सोच रहे हैं कुछ निकले तो बैठूं? कैसे आहार ले रहे बोलो, यदि बैठना नहीं तो देख क्या रहे, है ना? कुछ निकल आए तो मैं क्या करूं इस खाने को, ये छोड़ने के भाव से खा रहे हैं। और तुम लोग देख देख के महाराज का आहार, समोसा महाराज बैठे तो हम खाएं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये बैठे तो घड़ी दे, अरे बड़ा लंबा खिंच गया आज तो आहार, क्या बब्बा जी तो बैठ गए इतना चले ही रहा, ऐसा हम थोड़े बाजी में बैठ जाते हैं, देते देते थक गए बाजी में बैठ गए, महाराज तो बैठ ही नहीं रहे। और जब महाराज बैठ गए तो फिर माया, इतने जल्दी महाराज आहार हो गया क्या? एक घंटे पहले तेरा चेहरा दूसरा था, क्या हो गया? कुछ लिया नहीं महाराज ने, मन में तो कह रहा जल्दी उठो यहां से, एक बात और ध्यान पूर्वक सुन लो, आप संसार में रहते हो, ग्रस्त में रहते हो, मायाचारी करो कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात का नियम ले लो, हम धर्म में मायाचारी नहीं करेंगे। किसमें नहीं करेंगे? लेकिन अपन धर्म में ही मायाचारी करते, ध्यान रखो। ज्यादा मायाचारी किसमें करते हैं अपन लोग? धर्म की मायाचारी मत करो, इतना तो छोड़ सकते हो कि धर्म तो हम ईमानदारी से करेंगे, उसमें ही मायाचारी से होती है। बोलो चलती है नहीं? इतना तो नियम ले लो कि घर गृहस्थी में व्यापार में मायाचारी कर रहे हैं गृहस्थ चलता रहेगा, लेकिन धर्म में मायाचारी नहीं करेंगे, इतना नियम तो लो कि देव साथ गुरु के साथ मायाचारी कल्याण हो जाएगा, पशुगति से बच जाओ। लेकिन अपन लोग तो इनमें भी मायाचारी करते हैं। अरे महाराज के कमरे में तुम्हारे विचार अलग होते हैं, ये महाराज बहुत अच्छे, और बाहर निकलते उनकी बुराई करने लगते, महाराज को ऐसा नहीं किया ना चाहिए, महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए, और कमरे में क्या हो, अरे महाराज धन है आज तो धन हो गए आपके दर्शन के, बाहर आहार भी दे रहे, देखो गुलाब जामुन भी बना रहे चौके में, हम नहीं ले रहे तो वहां क्या बोल रहे, सवेरे से लगे ले लो महाराज तुमको क्या है, तुम तो वितराग भाव से खा लो, और चले गए तो दूसरों को बता भी रहे गुलाब जामुन को खाते महाराज को क्या पसंद है, बोले गुलाब जामुन, बोले गुलाब भी बनाएंगे जी, क्या है तुम तो वहां कसम दे के खिला रहे, क्या मेहनत से बना, नहीं ले तो दिक्कत, ले रहे उनको पसंद है। एक जगह क्या हुआ, हम लोग गए तो हमारे गुरुजी इलाहाबाद में ऐसे बैठे थे, तो आहार करके दोपहर को मैं इलाहाबाद पूरा संघ गया, तो वहां जानते नहीं थे मुनि उनि क्या, तो एक जो वहां का काम करने वाला था, एक इतना बड़ा डिब्बा वहां के घी लाया, अब आचार्य श्री बैठे थे, उन्होंने कहा ये क्या है गुरु जी तुम्हारे ऐसे है, ये क्या है, बोले घी है, बोले काय के लिए लाए, बोले चौके के लिए, महाराज बोले चौके के लिए थी अमूल घी लाया तू, बोले शुद्ध है पेटी पैक, अभी सील भी नहीं खुली इसकी, महाराज ने कहा इतने दिन से तुम यही खिला रहे हो, तो बोले महाराज इसमें लिखा तो है शुद्ध घी, और हमको ये बोला कि शुद्ध खाते हैं महाराज, ले आए हमें, महाराज ने संत को बुलाया, बोले कोई भी घी नहीं खाना कल से, पूरे संघ में नहीं खाए घी, आदेश हो गया गुरु का, अब चौके में पूरा भोजन काय का बना, घी का, तो महाराज बोले पानी पी के बैठ गया, क्या करना, अब समाज आ गई, हमने इतनी मेहनत से बनाओ इतनी रोटी और तुम्हारे एक भी महाराज ने खाना नहीं खाया, अरे तो बोले अशुद्धता, बोले क्या, बोले बाजार का घी, तो बोले कि क्या हुआ तो शुद्ध है पैक है, तो दिखा देखी, अब गलती किसने करी, किसने गलती की, और समाज में हल्ला क्या मचाया, महाराज को वाला ले लेते हैं, मायाचारी नहीं, महाराज कब काम बोलेंगे, दिया किसने, तुमने ही दिया ना, नाम कौन हुए, कपड़े बदले तुमने,
अंडरवियर बदलते नहीं, बनियान बदलते नहीं, आहार दे लेते हो, बाहर जाके बोलते महाराज तो चलता है। महाराज ने कब कहा ये चलता है? उत्तर नहीं, कब कहा उन्हें चलता है? तुमने चलाया है, हमने चलता है कहा। अब क्या महाराज का ये काम है कि तुम्हारे अंतरंग वस्त्र भी चेक कर ले? बोलिए, क्या हम वो अनुमान लेके ये पूछे कि अंदर के बदले कि नहीं? है? पूछ ले तो पिटे कि महाराज तुम्हें अंदर की कपड़ों से क्या मतलब? बता, अभी मायाचारी है कि नहीं? जब तुम मन वचन काय शुद्ध बोल रहे हो तो अंदर के कपड़े क्यों नहीं बदले? तो काय की काय शुद्धि, तो धर्म में मायाचारी नहीं हुई? बोलिए, अब इसका दोष किस पे जाएगा? महाराज मरेंगे। बोले क्यों? बोले उनको तो, तुम तो यही बोल दो कि चार आदमी से, उनको तो चलता है। महाराज ने कब बोला कि मुझे ये चलता है? ऐसी कितनी चीजें चला रहे हो? बोलो, नहीं चला रहे? कई बातें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है और हमारे चेले बोल देते महाराज ने कहा है। कभी उनकी चल नहीं रही, हमारा नाम ले देंगे तो चल जाएंगे, तब फंसेगा कौन? ऐसे 90% साधुओं को बदनाम करते हैं। तो कहलाने को क्या होते? महाराज के भक्त हैं। ये भक्त हैं महाराज? बोलो, उत्तर दो। अब तुम आओ, बटरम सटरम क्या लाके बनाओ, हमें क्या मालूम तुम क्या तुम? हम तो ये देखेंगे तुम कह रहे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल, अब तुम क्या कर रहे हैं हमें क्या मालूम? और साधु के लिए लिखना है कि चौके में मत जाना, लेकिन कि तुम जांच करने मत जाना कैसा बना रहा, उसका धर्म है। शुद्धि बोली बस, शुद्धि बोला लिखा है, हाँ, नहीं तो आहार नहीं लेंगे। नवदा भक्ति लिखी है, क्योंकि जब तक आप श्रावक अपने मुंह से नहीं कहेगा कि ये शुद्ध है तब तक हम खाएंगे नहीं, ये तो होटल का रख देगा लाके। जब तक श्रावक हमें ये विश्वास ना दिलाए कि आहार और जल शुद्ध है, मेरा मन वचन गाय शुद्ध है, जब तक ये कसम नहीं खाएगा तब तक हम ग्रास नहीं लेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? और अब वो कसम खा के गड़बड़ कर रहा है तो उसके लिए कौन सी गति है? और ये मायाचारी वो गलती करके भी अपने दोस्त नहीं समझता, वो भी महाराज पे डालता है कि उनको चलता है। समझ में आ रहा? माया, डबल मायाचारी। कौन सा दुनिया का मुनि है जो कहेगा कि अशुद्ध खिलाफ है? कोई मुनि बता दीजिए, कोई मुनि कह देगा कि तुम बाजार का सामान चला? बोलो। और हमारे साथ तो समस्या ये है कि भगवान ने हमें कह दिया चुप रहना, मौन, वहां मुंह से भी नहीं पूछ सकते, है ना? बोल सकते हैं, हम इशारा कुछ करें तुम समझो कुछ, हमको तो कायदे से इशारे का भी मना है। आहार में काय का मना है, पूछना भी मन की कैसा, वो खुद बोलेगा मन शुद्धि वचन शुद्धि। हमारा ये भी धर्म नहीं कि हम तुमसे बोले कि तुम बोलो, है ना? नहीं बोले तो मत लो, लेकिन ये मत कहना कि शुद्धि बोल। समझ में आ रहा? यदि वो शुद्धि नहीं बोल रहा है तो उससे आहार मत लेना, लेकिन इशारा करके मत बोलना कि शुद्धि बोलो, तुम उससे जबरदस्ती क्यों बुलवा ले, है ना? यदि मैंने तुमसे कहा कि शुद्धि बोलो और तुम्हें मालूम है गलत है तो मैंने तुमसे झूठ बुलवाया, इसलिए मना है। क्योंकि असत्य महाव्रत, सत्य महाव्रत है हमारा, न झूठ बोलेंगे न बुलवाएंगे। समझ में आ रहा? अब तुम खुद बोलो, नहीं बोलोगे तो आहार नहीं लेंगे। समझ में आ रहा? मायाचार करो, आपको लगता है हम छुल गए, महाराज भी देख रहे कि छुल गए, हम कह रहे हूं नहीं नहीं छुले महाराज, अरे कमाल कर दिया। बोलो, अभी कपड़े ले लेके आ रहे, बोले महाराज ने ऐसी ड्रेस क्यों बना दी, हमें मालूम है बंबई है, ये तो रख रख के अलमारी में से निकाल के धोले वाले ले आएंगे। बोले शुद्ध,
फिर कहेंगे आहार लो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बदनाम किसको करोगे? ऐसे जैसा आप करते हो ऐसा दुनिया में किसी महाराज को नहीं चलता, तुम लोग चला रहे हो। कौन महाराज कहेगा मुझे अशुद्ध खिला? बोलिए। लेकिन नाम किसका लगता है? ये क्या हो गया? वो काय के लिए हुआ, भोजन के लिए। कहाँ जाओगे? समझ आ रहा? भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, आपके पास तो शुद्ध नहीं है, हिम्मत कैसे हुई करने की? उसे महाराज क्या करेंगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई? जब आप क्या लिखा है कि भगवान का अभिषेक शुद्ध वस्त्रों में करो, आप पब्लिक में से उठ उठ के भगवान पे कलश डाल रहे हो, हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप तो धर्मात्मा है ना, आपको तो कहना चाहिए ना कि नहीं मैं अशुद्ध हूँ, मैं नहीं कर। कोई कहे तो भी मना करना चाहिए कि नहीं भाई हम अशुद्ध है। घर से आ रहे गाड़ी में, परीक्षा में क्या देखा? गाड़ी में बैठ बैठ के घर से कैसे कपड़े कहाँ के, बस ये सोच रखा कि पानी डालो कल्याण हो जाएगा। ऐसे होता है क्या? बोला मन वचन काय विशुद्ध करके पास नाथ को पूजिए। शर्त लगा दी ना, कैसे करो पूजा? और आप शुद्ध नहीं है तो कैसे अभिषेक किया? स्त्री पुरुष का तो भेद ही छोड़ दो, आपके कपड़े शुद्ध हैं क्या? चप्पल पहन में नारे अभिषेक कर रहे तो माया चाह नहीं है? बोलो, ये है अभी पूछा ना, धर्म में मायाचार कैसे करते? यदि मायाचार है कि लेके तो जल छिड़क लिया, ऐसी शुद्धि लिखी क्या? ये कहां से आ गई? जल छिड़क लिया तो शुद्ध हो गए। भले ऐसी विधान शास्त्रों में है क्या? आपकी मौजूदगी में होता है, आप बैठे हुए हैं पंडित जी, वो मैं शुद्धि कर लो। वो शुद्धि शुद्धि की शुद्धि है, वो अशुद्धि की शुद्धि नहीं है। हाँ तो वो गलत है ना, वो तुम्हारी गलत है भ्रांति। ये थोड़ी कि आप इन पैंट शर्ट में यूं कर लो तो बोले हम शुद्ध, वो तो धोती दुपट्टे भी आप देखो, पंडित गया तेल लेने, उससे क्या लेना देना, उससे तो नोट से मतलब, और महाराज को भी कोई मतलब नहीं है। तुम जाना तुम्हारा धर्म, हमारा धर्म ही नहीं है वो, हमारा तो मुनि धर्म है। आप ईमानदार भक्त है ना भगवान के, तो आप बेईमानी क्यों कर रहे हो? महाराज और पंडित के कराने से तुम अपनी पशुपति क्यों खोज रहे? आप महाराज को बोलिए ना कि महाराज हम अशुद्ध हैं, नहीं करेंगे। फिर कोई महाराज जबरदस्ती करवाएंगे? बोल, तुम्हें अपना भाव सुधारना है। हर व्यक्ति को मालूम है ईमानदारी से कि मैं शुद्ध हूं या नहीं, सबको मालूम। तो उसने महाराज और पंडित की मोहर क्यों लगवा रहे बता? हमारी मोहर की जरूरत क्या है? आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ अशुद्धि में पूजा नहीं करते, ये तो छोटा सा बच्चा भी जानता है, नहीं जानता। इसके लिए महाराज से मोहर लगवाओगे? महाराज एक मोहर लेके बैठेंगे, तुम शुद्ध हो, तुम अशुद्ध हो, तुम शुद्ध हो, ये काम महाराज का है। महाराज का काम पूजा पाठ करवाना ही नहीं है, हो रहा है तो बैठ गए यहाँ, हमारा रोल ही नहीं। हमारा काम ये थोड़ी तुम धोती दुपट्टे पहनो आए, ये तो जैन के बच्चे बच्चे को मालूम है कि पूजा कैसे करते हैं। बोलिए, ये है धर्म का मायाचार। सारी जिम्मेदारी महाराजों की है क्या? तुम्हारी कुछ नहीं? ये रोटी शुद्ध बनाना अशुद्ध बनाना किसकी जिम्मेदारी? महाराज की है, श्रावक की, श्रावक की है ना। फिर महाराज उसमें क्यों फंसते हैं? उनका नाम ले लेते है ना। अब कह दो महाराज ने अभिषेक करवाया, हमने काय को करवाया भाई? तुमने करा तो हम देख रहे हैं, नहीं करो तो नहीं देख रहे। बोले लेकिन आपने कैसे करा आपको मालूम होना चाहिए। तुम आप तो देख रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं, बस हो गई। क्यों कह रहे? आए बोले महाराज शिविर में बैठे हैं, सूतक लगेगा, धागा बांध। अरे ये कहां लिखा शास्त्रों में? धागा बांधा तो सूतक नहीं लगेगा, है? तो ये माया चल क्यों करते?
तंग करवा, ऐसा था कि किस आश्रम में लिखा? वो तो पंच कल्याणक में आप मनुष्य नहीं रहते, आपको इंद्र बना दिया जाता है, इंद्रों के बाल बच्चे नहीं होते, विस्थापना निक्षेप से आपको सोधर में इंद्र बना दिया गया है, लेकिन वो भी इंद्र प्रतिष्ठा के बाद सूतक नहीं लगेगा। मान लो आज तुमने बोली ली है, कल बच्चा हो गया, पंच कल्याणक चार दिन बाद है, तो लगेगा सूतक। समझ में आया? जब आपकी इंद्र प्रतिष्ठा कर दी कि अब आप फलाने चंद नहीं है, अब आप सौधर्म इंद्र हैं, अब सूतक नहीं लगेगा। तो क्या शरीर में तुम इंद्रिंद्राणी बने थे तो कैसे नहीं लगेगा सूतक? धागा बांधने से तो नहीं लगेगा, लगेगा। समझ में आया कि नहीं? समझो विषय को, परंपरा मत बनाओ, मिथ्या परंपराएं हैं सब। धागा मान दिया तो पूजा करते रहे, क्यों करोगे भाई? आगम में निषेध है पूजा करने का, सूतक पाठक। अब कई आते, हम सूतक पाठक नहीं मानते, मत मानो, लेकिन शास्त्रों में तो है ना, तुम्हारे नहीं मानने से क्या होता है? शास्त्रों में तो लिखा है सूतक पाठक होता है, और जो सूतक पाठक नहीं मानता वो कुभोग भूमि में जन्म लेता है, ऐसा लिखा शास्त्र। समझ में आया? अब छल क्यों करते हो? ये धर्म की माया है, क्या मिल रहा है तुमको? झूठी प्रशंसा के लिए पूजा कर रहे, बोलो, मना है ना? मना है तो मना है, भगवान की आज्ञा नहीं। हर जगह दिमाग मत लगाओ कि वो अमेरिका में रहता तो हमें सूतक क्यों लगेगा, इतनी अकल उन्हें भी थी। किसको? भगवान को भी, जिनने मना किया। तीन ज्ञानधारी थे, उनको भी पता था कि कोई दूर रहेगा तो लगेगा कि नहीं, फिर क्यों कहा कि लगेगा? तो अपन क्या तीर्थंकरों से ज्यादा ज्ञानी है? तो वहां जब जो अपन को समझ नहीं आ रहा है उसे आज्ञा मान के स्वीकारो कि भगवान ने कहा है, हमें नहीं मालूम। समझ में आ रहा? कई चीजें होती ना, कि तुम्हारे पापा बच्चा कहता ना, हमको नहीं मालूम इसका अर्थ क्या है, पापा ने कहा है, है ना? तो जिन चीजों का अर्थ नहीं मालूम है तो बोलो भगवान ने कहा इसलिए हम कर रहे हैं, तो सही गलत जो है भगवान जाने। आज्ञा समय थे मोहन, नहीं आ रहा समझ? समय दृष्टि कैसे बनते हैं? जिन चीजों का शास्त्रों में अर्थ ना मालूम हो और कोई अपने को अर्थ ना भी बताए तो उसे भगवान की आज्ञा समझ के स्वीकार करो, उसमें अपनी खोपड़ी लगा के इनकार मत करो। क्लियर हो रहा? इनकार आगम का करने वाला मिथ्या दृष्टि, और ऐसे जीव को क्या लिखा है? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ये जन्म मरण नहीं छूटेगा तुम्हारा, ऐसी विचार रखोगे। कोई भी चीज आपको अपनी तर्क से मत बदलिए। आरती में दिए में जीव मरते हैं, ये अकल भगवान को नहीं थी, जिनने आठ गर्भ का उपदेश किया तुम्हें ही आई है अकल, उनको नहीं थी। अब बुद्धि क्यों लगा रहे जीव मरते नहीं मरते? उनने कहा है ना जलाओ तो जलाओ। अब घर में लाए बोलो तो मैं लड़के से कहो दिया जला, वो कहे पापा जीव मरते हैं। तो जीव बाद में मरेगा, बाप उसको पहले निपटाएगा, क्योंकि तू बहस करता है, जला जब चाह। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक होती है आगम मान्य हिंसा और एक होती है आगम अमान्य हिंसा। हमारे लिए पूजा पाठ आगम से अमान्य है, लेकिन तुम्हारे लिए जो हिंसा हो रही है वो आगम ने स्वीकार की है कि ये होगी, फिर भी करो। आगम अमान्य तो ग्रस्त के लिए पूजा क्या हिंसा पाप थोड़ी बोला है, आगम मान्य है, आगम में स्वीकृति दी। समझ में आ रहा? स्त्री माता जी को कपड़े पहनना आगम मान्य परिग्रह है, और हम पहन ले तो आगम अमान्य परिग्रह। समझ में आ रहा? इसलिए माता जी को पहन ले लो कपड़े। अब तुम लगो कि वो भी महाव्रती, ये भी, वो क्यों पहने, ये क्यों नहीं पहने, इसलिए अपन भी पहन लो, तो गड़बड़ हो जाएगा। इससे फिर तुम्हारा दूसरा मत बन जाएगा,
जो कपड़े में मुक्ति हो जाएगी। आरिका से मुनि में नहीं लगा सकते आप, आरिका के कपड़े आगम में मान्य हैं, ध्यान रखना। आरिका को कपड़े भेंट करना पुण्य है और मुनि महाराज को कपड़े भेंट करना, समझ जाइए बोलो नहीं आ रहा समझ में। माता जी को साड़ी देना परिग्रह पाप है कि पुण्य? पुण्य। और महाराज को देना एक ही चीज, कर्म अलग अलग क्यों होंगे? क्योंकि आगम में महाराज को कपड़े मान्य नहीं है, और दोगे तो आगम को निषेध करने से पाप लगेगा, और आरिका को आगम में मान्य है इसलिए देना पड़ेगा। ये अब समय दृष्टि कैसे बने, कैसे बनते नहीं आ रहा। रात्रि भोजन आगम मान्य है कि अमान्य? अब समय दृष्टि हो ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भज। रात्रि में फलाहार करना ये आगम मान्य है या अमान्य है? उसे मान्य क्यों बना दिया? तो कौन सी गति फैसला कर लो, समझ में आया कि नहीं आया ना? तो त्रियंश में भी खुश मत होना कि सीरियल बनेंगे, उत्ता उत्ता बनेंगे। काले अनंत समझ में आया? निगोद में कौन जाएंगे? जो धार्मिक मायाचार करें, समझ में आ रहा। बाकी पशु कौन बनेंगे? जो धर्म में तो नहीं करते लेकिन ग्रस्त में संसार में करते। धर्म में मायाचार करोगे तो अच्छे पशु नहीं बनोगे, क्या बनोगे बोलो? एक श्वास में ये होगा। इसलिए कभी भी जीवन में धर्म के साथ मायाचारी नहीं करना। धर्म में कौन कौन आते हैं? देव, शास्त्र, गुरु और उनको पूजने वाले छह आयतन, समझ में आया? सट आयतन बोलते हैं, ये धर्म के आयतन है, स्थान है, इनके साथ मायाचारी नहीं करना। नहीं तो क्या होगा? अब अपन को कल्याण करना है तो क्या करें? ताते इनको तिने सुने संक्षेप कहूं बखान। अब क्या क्या चीज तजो ये आगे बताएंगे, है ना? ये तो इनने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मोक्ष जाना है, कल्याण करना है, धर्मात्मा बनना, तो इन इन चीजों को छोड़ दो। बोले कौन कौन सी? तो बोले तेरे सुन संक्षेप कहूं बखान, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या छोड़ना है। क्लियर हुआ? दस बजे समझ आ रहा है कि नहीं? यहां कुछ हो रहा है भीतर? नहीं हो रहा। ये अपन क्या करते हैं? दशा पता चल रही, रिजल्ट आ रहा, हम क्या करेंगे? किन किन चीजों से हम देव धर्म गुरु को बदनाम करते हैं? आगम की भाषा में उसमें लिखा है अवर्णवाद करते हैं, है ना? इस अवर्णवाद से दर्शन मोहिनी कर्म बनता है। दर्शन मोहिनी यानी मिथ्या, मिथ्या कर्म का बंद होता है, तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। फिर उसके लिए ऐसे मिथ्या ज्ञान चल, समझ में आ रहा? तो ऐसा तो नहीं कि अपन धर्म में 60% बातें अपने मन से लगाते रहते। मैं तो कह रहा हूं 90% लगाते हैं, आगम से चलते ही नहीं। अपनी सहूलियत के लिए तर्क लगा लेते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहाने बना लेते हैं, समझ में आया? मायाचार नहीं। अपनी आकांक्षा के लिए प्रपंच रच लेते हैं, हेलो। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हम सारी चीजें अपना लेते हैं,
और उसको अपना लो कोई बात नहीं, अपनाने के बाद मिथ्या क्या होता है, उस प्रपंच को अपनाने के बाद उस प्रपंच को हम धर्म मानते हैं। क्या मानते हैं? धर्म। ये मिथ्या है। अधर्म को क्या मान रहे हैं? धर्म। अपने तर्कों से, अपने प्रमाद से, अपनी मायाचार से, अपनी गलत क्रिया को हम क्या साबित करते हैं कि नहीं यही धर्म है, ये मिथ्या है। दर्शनावाणी नहीं, दर्शन मोहिनी मिथ्या। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आप कर लो गलत, लेकिन गलत को सही तो मत बोलो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपकी इच्छा नहीं है मत करिए, लेकिन ये तो मत बोलो कि जो मैं गलत कर रहा हूं वही धर्म है। आप तो धर्म की हत्या कर रहे हैं। सन्नाटा क्या हो? इसी में लगे। भगवान ने गलती करने तक की छूट दे दी है, ध्यान रखना, लेकिन उसे सही साबित मत करो। गलती सही, उसको धर्म मत बनाओ, क्योंकि वो गलती केवल तुम्हें सजा देगी। वो धर्म बनाओगे तो इसकी सजा सब भुगतेंगे। वो होता है मिथ्या। हम लोग कमरे में पंखा चल रहा है, ये गलत है मुनियों के लिए, सही नहीं है, लेकिन हम चला रहे हैं। मेरी गलती है, मेरी कमजोरी है, मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन ये धर्म नहीं है। और मैं उसको ये बोलूं कि नहीं ये तो धर्म है, ये मिथ्या। समझे? धर्म नहीं है वो, उलट सवार की कमजोरी हो सकती है, लेकिन मुनियों के लिए उचित नहीं है। समझ में आ? ये मुनियों का मार्ग नहीं है, ये धर्म का मार्ग नहीं है, वो मेरी व्यक्तिगत कमजोरी है। यदि इस पंखे को, एसी को मैं धर्म साबित करूंगा, उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा। समझ में आ? वो मेरा सेना नहीं, मेरी तपस्या नहीं, मेरा नहीं है, चलो इतने बड़े साधक नहीं है, नहीं होती तपस्या। ये आप अपनी कमजोरी को धर्म क्यों बना रहे? वो मेरी कमजोरी है, उसे कमजोरी समझो, उसको ये साबित मत करो कि ये मुनि का मार्ग है, बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा? ये गलत है सब। ऊपर एक चौका लग रहा, चार महीने से लग रहा कि नहीं, ये धर्म नहीं है। समझ में आ रहा? ये कमजोरी हो सकती है। धर्म तो क्या है? लगाव कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहां चौका महाराज, ये नहीं चौका तो काय को हमको आधा किलोमीटर तैर रहे भाई, लगाओ 10-20 पड़ने दो, अजमाओ अपना कुंड, वो है मार्ग। ये कोई धर्म नहीं कि यहां से शिफ्ट करके उसके घर में कर दी तो वही हो गया। नहीं तो लाइन से लगाइए, 10-20 लगाओ, जहां पड़ गए तो पड़ गए, नहीं पड़ गए तो नहीं पड़ गए। इतनी हिम्मत तुम्हें है नहीं है क्या? एक दिन खाली गया तो तुम ऐसे बेहोश होते कोमा में चले गए। तो काय का दान बोली, सब बिगाड़ रखा सिस्टम। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? धर्म तो हो ही नहीं सकता कि एक चौके में मुनि रोज रोज आहार ले जाके, ये धर्म नहीं हो सकता है। आपके यहां तो जितने श्रावक हो तुम रोटी नहीं खाते, मुनि में क्या करना पड़ा? शुद्ध बनाना, रोटी तो खाते हो ना, है ना, शुद्ध नहीं बना सकते? एक ही घर में शुद्ध बने ना, बोलो, घर घर में नहीं बन सकता महाराज। आप आज चलो, आप ऐसे कैसे चलो, लगाओ ढंग से तो आएंगे। तो तुमको करना तो वही है जो ऊपर चल रहा है, तो फिर बोले घर में चलो, तो ये तो निमंत्रण हो गया। समझ में आ रहा? फिर ये नौटंकी नहीं है, ये कहा है? अरे एक ही चुमका है, कब विधि लेंगे? बोलो, तो नौटंकी है। समझ में आ रहा? ऐसे धर्म को
स्वरूप हो, ये हमारी कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन ये धर्म नहीं होता, ये अधर्म है। और इसको धर्म साबित करोगे, ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख। ये कमजोरी तो हो सकती है भगवान, मैं अपने आप में तो कह सकता हूँ भगवान ये सब गलत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरी ताकत नहीं, मेरा सहन नहीं, मेरी व्यवस्था नहीं, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन भगवान ये गलत है, मुझे इससे छुड़ा, ऐसे भाव रखते हुए गलत करने वाला भी कर्म निर्जरा कर लेता है। लेकिन कोई कहे कि नहीं ये सब मेरे सही है, जो भी चल रहा है सही, यही धर्म है, पंचम काल में जिसे ही धर्म कहते हैं, कोई बुराई करे तो करे वो तो पागल है, जो हम कर रहे हैं वही सही है, मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? चलो कली काल है, सेनहीन है, शहरों में साधु रह रहे हैं, वैसी व्यवस्था स्वीकार करना पड़ती है, लेकिन ये धर्म है, इतना ध्यान रख ना? मुंबई में वैसी व्यवस्था नहीं बन सकती कि हम जंगल जाएं, है ना? इसलिए मजबूरी में हम भगवान सहन तो कर रहे हैं, जैसे कि दवाई कैसे खाते हो बोलो, मजबूरी में खाते कि शौक से खाते, क्या करें, इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, कड़वी है, लेकिन क्या करें, खाएंगे नहीं तो ठीक नहीं हमें, इसलिए डाल ली, समझ में आया? लेकिन ये धर्म के खिलाफ है, समझ में आ रहा? आप अपनी कमजोरी को सारी समाज का धर्म मत बनाओ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? अपनी कमजोर व्यक्तिगत कमजोरी है, समझ में आ रहा? ये कोई धार्मिक कमजोरी नहीं है। कौन सी कमजोरी है? उस व्यक्तिगत कमजोरी को आप धर्म साबित मत करो समाज के लिए, नहीं तो तुम नरक जाओगे। ऐसे होता है नरक, छोटी छोटी बातों में नहीं होती, समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात नहीं हो रही? इसलिए तुम लोग मेरे पास आते हो तो मेरी कमजोरियों को धर्म मत समझना, समझ में आ रहा? और ना उनकी निंदा करना, क्योंकि तो निंदा भी नरक का कारण है। बस ये कहना कि ये धर्म नहीं है, ये कर रहे हैं ठीक है, अपन को तो काय से मतलब है, जो इनकी अच्छी चीजें हैं, है ना? नहीं कहते अपन गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे, पढ़ते हो ना? तो पुलक सागर में क्या देखो, ऐसे गुण देखो जो तुम्हारा कल्याण करें, और ऐसे दोषों पे दृष्टि जाए तो भी उस पे माइंड मत करो, है ना? क्या करना अपने को? अपन एक बात बताओ, गैया घर में लेके आए तो दूध चाहिए कि गोरी काली नीली पीली गाय देखना, क्या चाहिए? हैं? दूध तो एक से ही देगी ना, ये अलग अलग देगी, लाल गाय का लाल दूध, काली गाय का काला दूध, सफेद गाय का, हमें रंग से क्या मतलब? एक गाय को देखना, जब तुम भोजन डालती हो घास, तो गाय तुम्हारा चेहरा देखती है, घास देखती है, अरे उससे सीख लो, समझ में आ रहा? वो ये नहीं देखती कौन दे रहा, वो तो देखती है तो खाओ, समझ में आ रहा कि नहीं? इसको ही बोलते हैं गोचरी। गोचरी किसको बोलते? तो आप मेरे पास आए हो तो मेरी अच्छी बातें लेना है कि खराब लेना है? एक बात बताओ, खराब बातें तो घर में भी मिलती है, मोहल्ले में भी मिलती, उसके लिए इतनी दूर आए, क्या लेना था? अच्छी लेना था ना? सब्जी लेने बाजार में गए तो एक दलिया में टमाटर है, तुम छांट छांट के अच्छे अच्छे लेते हो कि ऐसे तोल दो, बोलो? तो हम भी तो टमाटर ही है, जो अच्छे गुण अच्छे अच्छे टमाटर ले जाना, सड़े सड़े छोड़ देना, कैसे छांटते हो? क्योंकि तुम अच्छे टमाटर खाओगे ना, तो मेरे में जो अच्छी बात है वो ले लो। चेला कैसा होना चाहिए? गेहूं से फटकती है ना महिला सुपड़े में, तो क्या करती है? थोथा दे थोड़ा है, अच्छा अच्छा अनाज रख लेती है, तो साधुओं के पास जाकर आपने थोता अनाज निकाला है भूसा, तो उसे गाली बकते हो क्या? उसकी निंदा करते हो क्या? बोलो,
उसकी बुराई करते हो क्या? नहीं करते ना, उसको एक तरफ रख देते हो। अब होता क्या है, तुम अच्छाई तो लेते नहीं हो, बुराई का ढिंढोरा पीटते हो। अब सम्यक दर्शन कहां से होते है ना? जो हम लोगों में बुराई है उसे एक तरफ उस थोते की तरह छोड़ दो, लेकिन वो थोते का तुम इतना ढिंढोरा पीटते हो कि उस साधु का जीना मुश्किल हो जाता। तुमको लेना क्या चाहिए? अच्छा ही पके पके अच्छे अच्छे टमाटर ले लो, सड़े सड़े छोड़ दो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इतनी सी बुद्धि तुम सब्जी की दुकान की दुकान में तो रख लेते हो, है ना? ये अच्छे अच्छे छांट लिए, बुरे बुरे छोड़ दिए, तो सब्जी वाले को गाली देते हो क्या? उसकी बुराई करते हो क्या? नहीं करते ना, इधर काय को करते हो? दलिया वाली से बोले देखते सड़े तू जान, अच्छे तो तू मुझे दे दे। समझ में आ रहा? वो होता है समता। गुणी जनों को देख रहे मैं, मेरे प्रेम उमड़ लावे, बनी जहां तक उनकी बने जहां तक उनकी निंदा करके यह मन सुख पावे। समझ क्या लिखा? बने तो करो, नहीं बने तो यूं करो जा। लिखा ना, बने जहां तक उनकी सेवा करके मन सुख पावे। समझ गया? जितनी बने उतनी करना, जबरदस्ती थोड़ी का तुम घंटा भर पहले दबाना, है ना? क्लियर हुआ? आया समझ में? सम्यक विज्ञान। आप रात्रि में फल लेते हैं या आपकी व्यक्तिगत कमजोरी हो सकती है, लेकिन ऐसा जिनेंद्र भगवान का आदेश, ऐसे भोजन को रात्रि भोजन त्याग नहीं करते, ये मान के चलो।